दुआ को जो है ड्रिप लगी हुई है, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है इसको, और दुआ को नींद भी आ गई है। तकरीबन टाइम हो रहा है रात के 12:33। अभी 1 आध घंटा, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा और लगेगा, फिर ड्रिप उतर जाएगी। अजान इधर सो रहा है। आप सब ने दुआ करनी है कि दुआ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जी। सबसे पहले जो है आप सबको पांचवा जुम्मा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से रमजान शरीफ का बहुत बहुत मुबारक हो। और ये भी है कि आज आखिरी जुम्मा है और आज आखिरी रोजा है, तो इस चीज का भी है कि इसके बाद जो है ईद भी आनी है और कल जो है ना ईद होगी इंशाल्लाह। 30 रोजे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पूरे हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये कि आज जो है मैं सफाइयां वगैरह कर रही हूँ, कल जो है मैं वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से जो है ना कल वीडियो नहीं बनाई, आप तक नहीं आई और आप सब परेशान हुए थे, कमेंट भी आए थे, मैसेजेस भी आए, इंस्टा पे भी आए, तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबको मेरा इंतजार रहता है वीडियो का। तो बस ये कि आज जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ, ड्रिप लगी है ना तो उससे थोड़ी सी एनर्जी आ गई है और अभी जो है ना मेरा घर पूरा फैला हुआ है। कल भी कोई सफाइयाँ खास नहीं हुई थी, तो अभी तो इस कमरे का तो हाल भी, जैसे अभी सारे पोचे वगैरह लगाने, उस कमरे का दिखाती हूँ, उस कमरे का आप देखेंगे तो खुद भी आप हैरत करेंगे कि इतनी आप मतलब के ना कैसे मतलब गलाजत में रही, गलाजत तो नहीं मतलब कि फैला हुआ है कमरा। और जब इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती ना तो बस फिर कुछ भी करने का दिल नहीं करता, और जो है तबीयत की वजह से जो है ना देख सफाइयाँ भी सकते नहीं हैं होती। कमरे का हाल इतना कोई फैला हुआ है, बेडशीट वगैरह, ये कूलर पे मिट्टी देखें और ये तसपोश पे बहुत ज्यादा ये देखें मिट्टी देखें दे। और जो है ना इतनी कोई गंदगी हो रही है ना बहुत ज्यादा, अभी सारा जो है ना सफाइयाँ करनी है, जाले छत के जो हो रहे हैं ये जाले वगैरह भी साफ करने, क्योंकि कल जो ईद है और साफ सुथरा तो घर होना चाहिए ना। तो हमारे गांव का जो रिवाज है जो कि चांद रात किस तरह से मनाई जाती है वो आपके साथ शेयर कर रही हैं हम, कि चांद रात में हम जो है ना सफाइयाँ वगैरह करते हैं, घर की झाड़ पोछ करते हैं, जो कि हमारे मड हाउस हैं, कच्चे घर हैं, लेकिन साफ सुथरा करना तो हमारा फर्ज है और हक भी बनता है। तो अभी पूरे घर को जो है ना पोछे वगैरह भी लगाने और सफाइयाँ कंप्लीट करते हैं, तो आपके साथ पूरा शेयर करते रहेंगे। जो चैनल पर नए आने वाले हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अभी जो है मैं ये बर्तन निकालती हूँ अलमारी के, तो ये सारे बर्तन जो है ना मिट्टी मिट्टी हो रहे हैं, इनको सबको निकालते हैं और अच्छे से जो है ना इसको धोते हैं और फिर जो है ना खुश्क करके जो है ना फिर हमने अलमारी में रखना है। इस चीज को भी बहुत साफ करना है, आज मैंने घर को पूरा फुल चमका देना है, तो इंशाल्लाह आप सबने साथ बने रहना है। बर्तन मैंने सारे जो है निकाल लिए, देख सकते हैं इधर भी रखे हुए हैं और ये भी रखे हुए हैं। अब इनको जो है मैं धो लेती हूँ। पहले इनको जो है पानी लगा लूँ मैं, मिट्टी देखें कितनी हो रही है बर्तनों में, देखें जी कितनी मिट्टी हो रही है बर्तनों में, अंधेरी आई है ना इस वजह से। और लाइट भी आ जा रही है और जा रही है, लाइट भी नहीं है, पानी ना कम पड़ जाए। बर्तन मैंने धो लिए हैं और अभी जो है ना इनको मैं ढक देती हूँ क्योंकि मक्खियाँ जो है ना इन पर ना बैठे और ये खुश्क हो जाएंगे, तो फिर मैं जो है अलमारी में इनको रख दूंगी। और तब तक जो है मैं छत के जो जाले हैं ना तो वो क्या मैं साफ कर लेती हूँ। तो ये सारे जाले जो है ना हमें साफ करने पूरे, ये पंखा बंद कर दूँ लाइट ना आ जाए, क्योंकि लाइट आने का कोई पता नहीं है, आ रही है और जा रही है लाइट।
सफाई जो है पूरे कमरे की कर ली है, देख सकते हैं झाड़ पोछ पूरी हो गई है और जाले वगैरह भी साफ हो गए हैं। तो आज जो है मैं नई बेडशीट जो है ना ये बिछा रही हूँ, जो कि शाहीन अम्मी जी ने जो है भेजी है, तो ये आज मैं बिछा रही हूँ, तो शाहीन अम्मी भी देखेंगी तो खुश होंगी। तो ये ईद के लिए तो बहुत ही अच्छी है, मैंने कहा ये पूरी जो है ना आज नई जो है ना हम बिछाते हैं, और फिर जो है हम ये बिछाने के बाद पोछा लगाते हैं, इसका कमरे का भी और सहन का सारा पोछा वगैरह लगा लेते हैं, पूरी सफाई कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी चादर है, बहुत ही अच्छी, कलर भी अच्छा है इसका। तो उस कमरे का जो है शाम ने पोछा लगा लिया, और मैंने कहा इस कमरे का जो है मैं लगा रही थी पोछा, तो हम दोनों मिलजुल कर जो है काम कर रहे हैं। लाइट जो है अभी तक नहीं आई, कब से गई हुई है लाइट नहीं आई अभी तक। ये शुक्र है कि पानी इतना था कि बर्तन भी धुल गए और जो है पोछे भी लग रहे हैं। बस कपड़े धोने थे तो कपड़े जो है ना वो नहीं धो सकती मैं जब तक लाइट नहीं आएगी, क्योंकि पानी खत्म हो गया तो फिर मसला हो जाएगा, पता नहीं लाइट कब आती है। घर के काम मैंने सारे कंप्लीट जो है कर लिए हैं शाम और मैंने दोनों ने मिलकर, और अब हो रहा है जुम्मे का टाइम, तो अजान भी बिल्कुल तैयार है, अजान भी फ्रेश हो गया है, और अभी जो है ना बस है शाम की, और अपने कपड़े इसी कर रही हूँ, बस जुम्मे की तैयारी करते हैं और जुम्मा नमाज अदा करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमने नमाज पढ़ ली थी और घर के काम वगैरह भी सारे जो है खत्म हो गए थे। अभी मैंने जो है शाम से कहा चारपाइयाँ निकाल दें, तो ये शाम ने एक चारपाई निकाल दी, और मैंने कहा कि ये है कि आपके साथ जो अपनी ईद के जो कपड़े जो मेरे सिल कर आ गए ना अम्मी जी ने जो सिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और पहले तो ये है कि रमज़ान शरीफ का पता ही नहीं चला किस तरह से ये महीना गुजर गया, हमारा मेहमान आया था, अल्लाह ताला की तरफ से जो है मेहमान आया था, और पता ही नहीं चला कि कैसे दिन गुजर गए। तो बस अल्लाह पाक सबकी इबादतें और रोज़े जो है अल्लाह पाक सबके कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और ये है कि थोड़ी सी देर दुख तो होता है कि जब रमज़ान शरीफ का आखिरी दिन होता है, तो और आगे खुशी भी होती है कि ईद की आने की, और जैसे कि आज चांद रात है, तो आप सबको मेरी तरफ से जो है चांद रात मुबारक हो, क्योंकि आज तो पक्का है चांद रात है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे 30 रोज़े जो है हो गए। और आपको मैं दिखाती हूँ अपना सूट जो कि जो है अम्मी ने सिया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको, तो ईद पे मैं कौन सा पहनूंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। वैसे आप भी मुझे कमेंट करके बता देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कौन सा पहनूँ। वैसे तो मैंने मेरा इरादा ये है कि ये कल ना पहनूँ, मैं परसों पहनूँ जब मैं जाऊँगी अपने ससुराल। तो ये सूट, ये लेस लेकर आई थी उस दिन, मैंने आपको दिखाया नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो ये सूट सिल गया है। और इसके साथ जो है ये दुपट्टा पीको करवा लिया था, और ये जो है इसका ट्राउजर, और दूसरा सूट जो है ये वाला है, और इसका भी ये ट्राउजर है, और दूसरा इसका दुपट्टा भी जो है वो भी पीको हो गया है, वो तो अम्मी करवा कर ही आई थी पीको, ये अम्मी जी ने जो मेरी दिया है सूट ये वो है। मैं कह रही हूँ कि पहले दिन जो है मैं ये वाला सूट पहनूँ, और दूसरे दिन जो है जब मैं अपने ससुराल जाऊँ, बाहर कोई आया शायद, तो आपने इसमें से मुझे बताना है कि मैं कौन सा सूट पहनूं। ये वाला सूट पहनने का इरादा है कि मैं कल ये वाला पहनूं, और जब ससुराल परसों जाऊंगी तब जो है ना वो वाला सूट पहनूं, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि यही पहनूं ना या फिर वो पहनूं। और एहतशाम और अजान के जो है वो दर्जी से जो है उठा कर लेकर आ जाएंगे एहतशाम, तो वो तो शाम को आ जाएंगे, क्योंकि मैं इस्त्री करके भी जो है शाम में ही रखूंगी, और जो शाम का जो होगा ना फिर वो कोई पता नहीं होता, दिन में लाइट, लेकिन लाइट तो होगी, कल ईद का दिन जो है लाइट तो होगी, शाम में इसी करके रख दूंगी मैं। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आप सबको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।